नमस्कार, महान्यूज 7 में आप देख रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी टॉप 10 न्यूज। आइए देखेंगे अहम खबरें विस्तार से। देवरिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल मंच पर जगह नहीं मिलने से पार्टी कार्यकर्ता नाराज थे, जिसकी वजह से अखिलेश यादव के मंच से जाते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और जमकर हाथापाई और धक्का मुक्की करने लगे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गृह मंत्री हरीश सांघवी के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वह घटना से संबंधित जानकारी ले रहे। बता दें कि राजकोट गेम जोन अग्निकांड में 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। राजकोट के गेम जोन हादसे को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस ने मैनेजर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। राजकोट में आग लगने की घटना के बाद राज्यों के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को राज्य के सभी गेम जोन का निरीक्षण करने और अग्नि सुरक्षा अनुमति के बिना चल रहे गेम जोन को बंद करने का आदेश दिया है। गुजरात के राजकोट अग्निकांड पर एसआईटी प्रमुख सुभाष त्रिवेदी का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। इस विभाग ने क्या क्या किया, पूरी जांच कराई जाएगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या क्या गलतियां हुई है, भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इन सभी बातों को पूरी जाँच के साथ किया जाएगा। राजकोट अग्निकांड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है और उनसे राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राजकोट में आग की त्रासदी ने हम सभी को दुखी किया है। कुछ समय पहले उनसे टेलीफोन पर हुई बातचीत में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने मुझे प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में बताया। राजकोट अग्निकांड हादसे में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी घटनास्थल पर पहुंचे। राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लग गई थी। गृह मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर रविवार को दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। यह दुर्घटना शनिवार देर रात खुटार इलाके के हजियापुर में हुई। बस श्रद्धालुओं को लेकर मंदिर जा रही थी और रास्ते में इसे एक रेस्टोरेंट में रोका गया था। दिल्ली बेबी केयर हॉस्पिटल में लगी आग, 7 नवजात बच्चों की मौत। मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके केजरीवाल भारद्वाज ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारद्वाज ने कहा, मैंने स्वास्थ्य सचिव को फोन करने की कोशिश की लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। इसकी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। विवेक विहार ने न्यूबॉर्न बेबी केयर अस्पताल में शनिवार देर रात लगी भीषण आग में 7 नवजात बच्चों की जान चली गई है। पूर्वी दिल्ली के इस घटनास्थल से बचाए गए अन्य बच्चों को दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। से भरा इवेंट गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहां आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK कॉटेजेस, वेल डिजाइन डाइनिंग एंड डॉर्मेटरी एंड बैंक्वेट हॉल। और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर, अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस
विनोबा नगर खरबी रिंग रोड नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्यपाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल सारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास दिघोरी नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।